हेलो फ्रेंड्स, विंडो एसी या स्प्लिट एसी के जो कंप्रेशर होते हैं अक्सर इनका टर्मिनल खराब हो जाता है। ये टर्मिनल बहुत ज्यादा एम्पियर की वजह से या इनका जो थिंबल होता है लूज कनेक्शन की वजह से बार बार शार्टिंग होने से अक्सर रस्टी होके वहां से खराब हो जाता है। यानी जो भी हम टर्मिनल को देखते हैं उसमें एक राड होता है और एक पट्टी लगी होती है। आमतौर से जो पट्टी होती है जिसमें थिंबल को कनेक्ट किया जाता है वो पट्टी खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। इस केस में जब एक राड की शक्ल का टर्मिनल बचा होता है तो उस टर्मिनल पर कोई थिंबल आसानी से कनेक्ट नहीं होता है। अगर हम उसे कनेक्ट करते हैं तो बार बार वो लूज होकर खत्म हो जाता है। जब भी इस तरह का कोई टर्मिनल हो तो उसमें हम एक कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। एयर कंडीशनर के टर्मिनल को किस तरह से रिपेयर करते हैं इसको समझते हैं। ये विंडो एसी रनिंग कंडीशन में है, इसके कंप्रेशर के टर्मिनल में स्पार्किंग हो रही है जिसे आप देख रहे होंगे। कंप्रेशर के तीनों टर्मिनल्स में से दो के थिंबल बिल्कुल लूज हैं और बहुत आसानी से निकल जा रहे हैं। इस टर्मिनल की पट्टी अभी सेफ है पर कार्बन बहुत है। दूसरा टर्मिनल डैमेज है, इसकी पट्टी खत्म हो चुकी है और टर्मिनल का सिर्फ राड बचा हुआ है। इस थिंबल को हटाकर इस वायर को कनेक्टर के जरिए टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। इसके लिए हम इस कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। कनेक्टर में दो स्क्रू हैं, एक स्क्रू के जरिए कनेक्टर को टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे और दूसरे स्क्रू से वायर को कनेक्ट करेंगे। पहले खराब टर्मिनल से कार्बन और रस्ट को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। दूसरे टर्मिनल की पट्टी को भी साफ कर लेते हैं। यह टर्मिनल भी साफ हो गया। जिस टर्मिनल की पट्टी गायब है सिर्फ राड बचा है उससे कनेक्टर को इस तरह कनेक्ट करते हैं। कनेक्टर का स्क्रू अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। इस टर्मिनल पर लगने वाले थिंबल को वायर से हटा देते हैं। वायर के इंसुलेशन को हटा देते हैं। छिले हुए वायर के अलावा सेफ्टी के लिए इस पर इंसुलेशन टेप लगा देते हैं। वायर को कनेक्टर में लगाकर दूसरा स्क्रू भी टाइट कर देते हैं। यह बिल्कुल टाइट हो गया है। दूसरा टर्मिनल जिसका थिंबल लूज था इसे भी वायर से अलग कर लेते हैं। इस वायर के साथ न्यू थिंबल लगा देते हैं। वायर से थिंबल को इस तरह कनेक्ट करते हैं। थिंबल को इसके टर्मिनल से कनेक्ट करने के पहले कनेक्टर को इंसुलेशन टेप से अच्छी तरह इंसुलेट कर लेते हैं। अब थिंबल को कनेक्ट कर लेते हैं। सभी टर्मिनल पर वायर अच्छी तरह से फिक्स और इंसुलेट होना चाहिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।